नमस्कार दोस्तों, आसान विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक मैथ भी सीख रहे हैं। बेसिक मैथ की 12 वीडियो बन चुकी है जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लाइन वाइज वीडियोज़ या प्लेलिस्ट में। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि इन साइंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरों को कैसे लिखा जाता है, उसके बाद प्रीडिसर और सक्सीजर कैसे लिखे जाते हैं, उसके बाद हम नंबर सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस शीट के बाद। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ भी बहुत आसान है, बट उनके लिए आसान नहीं है जो सेकेंड या थर्ड क्लास में पढ़ते हैं या 8 या 9 साल के बच्चे हैं, या उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम से आए हैं इंग्लिश मीडियम में, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो टीचर्स हों, उनको बहुत दिक्कत होती है इन सब चीज़ों को समझने में। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर पढ़ाते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये बहुत दिक्कत होती है कि यार ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम कर पाएंगे ना, क्वेश्चंस तो ईजी है बट इंग्लिश की वजह से क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो चलिए, मैं ये पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ उन्हीं लोगों के लिए जो, जितने भी लोगों का मैंने एग्जांपल दिया है वो लोग जो मैथ सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ये, ये और ये साइन। अब ये साइन क्या होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि ये 4 है, ये 5 है, इसके बीच में साइन लगाना है तो कैसा साइन आएगा? ये दोनों साइन एक ही है, एक इधर को घुमा हुआ है एक इधर, तो ये क्या होता है, ये इसकी चोंच होती है। ठीक है, चोंच जिस तरफ होती है वो छोटा होता है। जैसे 4 और 5 है तो ये इस पे साइन ऐसे आएगा, जिस तरफ ये बढ़ेगा खुला हुआ साइन होता है वो बड़ा होता है। तो ऐसे ये नंबर क्या हो गया, ये बड़े वाले नंबर की तरफ खुला हुआ आएगा। ठीक है, और बराबर का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये रहा इस गल टू का मतलब तो आपको पता ही होगा। बराबर का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, ये मतलब होता है हमारा बराबर। तो ये दोनों साइन आपको पता चल गया। अब इन नंबर पे हमको लगाने हैं। ये जो वीडियो है ये 4 डिजिट नंबर का है। जब सेकंड और थर्ड क्लास में बच्चे आ जाते हैं तो उनको 4 डिजिट के नंबर दिए जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं फोर्थ में चले जाएंगे तो उनको 5 डिजिट के नंबर 6 डिजिट के नंबर, और आगे आगे बढ़ता रहता है। 5 क्लास तक बच्चों को यही सब सिखाया जाता है, इसी में मजबूत बनाया जाता है, और बहुत लोग इसी में मजबूत नहीं बन पाते हैं, प्रैक्टिस करके नहीं सीख पाते हैं, तो उन्हें 6ठी में जाके बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि 6ठी से मैथ का बिल्कुल ही टर्न हो जाता है। उसके बाद रूल्स आने शुरू हो जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं समझाई जाती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हमें 5वीं तक अच्छे से सीख लेनी चाहिए। 6ठी क्लास से फिर रूल एंड रेगुलेशन, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मूलेज आने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन सवाल को करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा साइन आएगा, तो क्या करेंगे, पहले देखिए वंस डिजिट होता है, मैंने आपको पहले बताया था, सब पहले पढ़ा रखा है मैंने, पहले वंस डिजिट पे देखेंगे कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, फिर सेकंड पे देखेंगे कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, अब इसको देखेंगे 4 और 4, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये तो बड़ा है, तो इन दोनों में से इस डिजिट पर तो बराबर है तो ये तो कट गया। फिर इस डिजिट को देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 10th डिजिट को, तो हमारा 8 बड़ा है, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हुआ। तो बड़ा वाला नंबर कैसे आता है, ऐसे निशान के साथ। ये तो हुआ वंस टेंस 100 के हिसाब से। अब सिंपल में आप कैसे देखेंगे, 467 बड़ा होता है या 489 बड़ा होता है, तो 400 तो सेम है, अब 89 और 67 में बचा, तो 67 में और 89 में कौन सा बड़ा होता है, 89 बड़ा होता है, सीधा 89 बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक थी, बट बच्चों को इस हिसाब से तोड़ तोड़ कर सिखाया जाता है। अब इसी तरह इसमें देखते हैं, वंस प्लेस पे क्या है, 1 1, सेकेंड पे क्या है, 0 0, 100 पे क्या है, 7 7, तो ये तो बराबर है, दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल का साइन आ गया। उसके बाद इसमें देखते हैं, ये 0 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 1 10 100 1 10 100 1000 हो गया। 1000 पे सेम है, 100 पे सेम है, अब 10th पे देखते हैं, ये 10th पे 4 है और ये 0 है, तो कौन सा बड़ा हुआ है, ये वाला बड़ा हुआ। ठीक है, अब सिंपल देखिए, ये 40 है और ये 0 4 4 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 40 बड़ा होगा, तो 40 वाला साइन कैसे आएगा, इस तरफ का साइन आएगा। अब सिंपल देखिए, तो 2640 बड़ा होता है या 2604 बड़ा होता है, तो हमारा 2640 बड़ा होता है। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, यहाँ ये बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है, तो यहाँ तो देखिए सबसे लास्ट डिजिट का 6 बड़ा है, तो हमें बाकी नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 6000 है, ये 4000 है, तो ये तो डायरेक्ट ही ये बड़ा हो गया, तो फिर
इस पे साइन ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें अलग अलग डिजिट का नंबर देखते हैं, अगर दोनों डिजिट चार डिजिट की है, जैसे ये भी चार की है ये भी चार की है, तो सिर्फ लास्ट वाला नंबर देख लीजिए और आंसर भर दीजिए। जैसे ये फोर है और ये सिक्स है तो डायरेक्ट ये वाला बड़ा होगा। अब जैसे इसमें था तो इसमें टू और टू है तो नहीं कर सकते, तो फिर हम हंड्रेड डिजिट पे देखेंगे। हंड्रेड डिजिट भी सेम है तो फिर किस पे हम देखेंगे, टेंथ डिजिट पे देखेंगे। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, एक दो तरह से मैंने आपको बता दिया, आप देखिएगी कैसे है। सिंपल सी बात यह है कि 2640 और 2604 में से कौन सा बड़ा है, तो 2640 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसे निशान लग जाता है। तो ये साइन हमारे खत्म हो गए। अब जहां पर भी ये साइन वाले आते हैं ऐसे ही होते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, कुछ नंबर बड़े हो जाते हैं, ये चार डिजिट से छह डिजिट सात डिजिट हो जाएगा, है ना, बस यही होता है, ठीक है। अब कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग का हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको पहले देना चाहूंगा छोटे नंबर के साथ। अब जैसे 4, 5, 8, 3 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 4 है, फिर उससे बड़ा 5 है, फिर उससे बड़ा 8, तो इसको ही क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिखो। तो पहले इसमें से देखना पड़ेगा सबसे छोटा कौन सा है, चारों नंबर चार डिजिट के हैं तो लास्ट वाले डिजिट देख लेते हैं बस। तो 4 सबसे छोटा है तो 4 सबसे पहले आएगा, फिर कौन सा है, 5, तो फिर 5 देखेंगे। अब हर नंबर में सॉरी ये तीन ही डिजिट का है, तो तीन डिजिट वाला तो वैसे ही छोटा हो गया, ठीक है। अब ये सारे 4 डिजिट के हैं तो 4 डिजिट में से क्या करेंगे, 4 वाला छोटा है तो 4 वाला पहले आएगा, ठीक है। अगर चारों डिजिट के सेम है, ये भी चार डिजिट का, ये भी चार डिजिट का, ये भी चार डिजिट का है, ये तीन ही डिजिट का है, तो इस पे तो जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए ये छोटा ही रहेगा सबसे, ठीक है। फिर इसका सेकंड नंबर आ जाएगा 6974 और थर्ड नंबर आ जाएगा 9984, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, अब इसमें भी सारे चार डिजिट के हैं तो इसमें भी देख लेते हैं लास्ट की डिजिट, अगर चार डिजिट सेम हो, है एक ही क्वेश्चन, करनी एक ही चीज़ है, बस साइन वाइन का अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 5, तो 5, 4, 3, 6 ये सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद कौन सा है, 6, 7, 8, 0, उसके बाद 8, 6, 4, 5 और उसके बाद 9, 6, 3, 2। तो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दिक्कत कहाँ आती है, जैसे यहाँ पे हो 4, 5, 6, 8, है ना, और यहाँ पे भी हो 4, 5, 6, 9। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले वंस पे देखना पड़ेगा, ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद सारे नंबरों की अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले नंबर सिस्टम कराया था, नंबर्स बनाने सिखाए थे। यदि आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो 12 वीडियो पुरानी जाके ज़रूर देखे, ये सब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब डिसेंडिंग में क्या होता है, इसको कहते हैं अवरोही क्रम हिंदी में, क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, अब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले होगा, जैसे आरोही था, अवरोही में सबसे बड़ा सबसे पहले, 8, 5, 4, 3, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, मतलब अवरोही क्रम। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पहले यही है, चार डिजिट के हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यही वाला, उससे छोटा कौन सा है बताइए, ये वाला 5 वाला, 5520, उससे छोटा कौन सा है, 2000, तो 2000 वाला उससे छोटा, उससे छोटा 1015। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब ये नंबर इधर उधर भी हो सकते थे, अगर इधर उधर होते तो हमें उसको सही से अरेंज करना पड़ता, गलत सलत नंबर लिखे होंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये हमारा कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा जब सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, आरोही और अवरोही क्रम। एक और देखते हैं हम, ये 7 है, 2 है, 8 है, 2 है, तो पहले 2-2 वाले को देखते हैं, 2-2 सेम है तो अगला देखते हैं, ये 5 है, ये 7 है, तो ये वाला बड़ा हुआ हमारा, ठीक है। तो मतलब पहले ये आएगा, ठीक है, जब हम इनको लिखेंगे तब। अब देख लेते हैं सबसे बड़ा नंबर इसमें सबसे पहले आता है, तो पहले 8 बड़ा है तो पहले 8 आएगा, 8, 3, 8, 2। अब 8 से छोटा क्या है, 7, तो 7 क्या है, 7, 2, 8, 1। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, हमारा ये बड़ा है, ये हमने पहले ही देख लिया था, तो पहले ये आएगा। फिर कौन सा है,
फिर ये है, तो फिर ये नंबर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, ये हमारे साइन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आशा है इतना आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं प्रीडिसर क्या होता है। प्रीडिसर में क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है पहले, तो इससे पहले वाला नंबर। प्रीडिसर में क्या कहते हैं, एक पहले वाला नंबर, तो इसमें क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, तो एक माइनस कर दीजिए, फोर में से थ्री, फोर में से वन गए थ्री, सिक्स का सिक्स, टू का टू, तो ये क्या हो गया, टू सिक्स थ्री, टू फोर सिक्स, 264 का प्रीडिसर क्या हो गया, 263, मतलब इससे एक पहले वाला है, इसमें से एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसी का क्या होगा, 4590, इसमें से भी क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, तो इसमें कैरी दिया इसको, तो ये हो गया 8, ये हो गया 10, 10 में से बन गए 9, 8 का 8, 5 का 5, 4 का 4, ये 4589, माइनस पहले ही मैंने आपको करना सिखा रखा है प्लस माइनस, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब 6680 में से 1 माइनस करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, ये कट के एक कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से एक गया 9, 7 का 7, 6 का 6, 6 का 6, 6 6 7 9, ये इसका प्रीडिसर हो गया, ठीक है। प्रीडिसर का मतलब क्या होता है, एक नंबर पहले, ठीक है, उसमें लिखा नहीं होता कि एक नंबर पहले, बोलते हैं राइट द प्रीडिसर ऑफ दिस नंबर, ठीक है, मतलब इस नंबर का प्रीडिसर बताओ, तो प्रीडिसर बताता है तो एक माइनस कर देते हैं। सक्सीजर, सक्सीजर का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, सक्सेस का मतलब होता है ना आगे, तो सक्सीजर में क्या करते हैं, एक ज़्यादा पूछता है, तो एक ज़्यादा कैसे करेंगे, 6724 प्लस 1, 4 और 1 5, 2 7 6, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या है, सक्सीजर है, ठीक है। अब अगला नंबर देखते हैं, 7909 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, 9 और 1 10, कैरी आया 1, ये 1 नीचे कुछ नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है, 9 का 9, 7 का 7, 7910, अगर ऐड करना नहीं आता तो पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, वीडियो नंबर 6-7 में मैंने ऐड करना सिखाया है शायद, ठीक है। अब इसका अगला नंबर 648, अब इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 8 और 1 9, 4 का 4, 6 का 6, 3 का 3, ये सारा हमारा क्या था, प्रीडिसर और सक्सीजर। इसमें बोला नहीं जाता कि एक जमा करो एक घटा करो, हमें खुद पता होता है, अगर प्रीडिसर लिखा हुआ है तो एक माइनस करेंगे, अगर सक्सीजर लिखा हुआ है तो एक प्लस करेंगे। अब चलते हैं हम अगली वर्कशीट पर। अब इन क्वेश्चनों में क्या कह रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, क्या कह रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि इसको खोल कर लिखिए, जैसे ये खोल कर लिखा हुआ है, तो खोल कर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है ना, तो 5000 कैसे बनता है, 5 की 1000 से मल्टीप्लाई करके, 5 की 1000 से कर देंगे तो 5000 हो जाएगा, प्लस 4 किसकी होती है, 100 की, तो 4 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, समझ आ गया, ये एक बन गया 5000, बोलते हैं ना 5000, ये क्या हो गया आपका 400, ठीक है। अब ये है 3030, ये किस पे, 3 जो है टेंस पे है, तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से होगी, 310 प्लस 7, 7 किससे है, 1 से, तो ये 1 बन गया, ठीक है, मतलब ये 1 डिजिट पे है, ये 10 डिजिट पे है, ये 100 डिजिट पे है, ये 1000 डिजिट पे है। अगर आप शुरू से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये क्या होती है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, विस्तारित रूप से लिखी है, हिंदी में क्या होता है, विस्तारित रूप से लिखी है या विस्तारित रूप से रखी है, ठीक है, तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया। ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर, ये वाला आपको करना है, ठीक है। अब जैसे इस पे भी देखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, अगर बीच में जीरो आ गया तो क्या होगा, ठीक है। अब सिक्स किस पे है, थाउजेंड पे, तो सिक्स की मल्टीप्लाई होगी थाउजेंड से, प्लस हंड्रेड पे कुछ है ही नहीं तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो एक लगाइए, दो लगाइए, आप मत लिखिए यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेंस पे क्या है, सेवन, तो सेवन की मल्टीप्लाई टेंस से, प्लस सिक्स किस पे है, वंस पे, तो इसकी मल्टीप्लाई वन, तो ये वंस डिजिट हो गया, ये टेंस डिजिट हो गया, ये हंड्रेड हो गया, ये थाउजेंड हो गया, ठीक है। अब इस नंबर को अगर हम लिखेंगे तो वो नंबर ऐसे लिखा जाएगा। देखिए सारी चीज़ नंबर सिस्टम पे डिपेंड है, वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड होता है, थाउजेंड होता है, टेन थाउजेंड होता है, और पहली क्लास से पाँचवीं क्लास तक इसी के हिसाब से सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और बच्चों से कराए जाते हैं। तो जो पेरेंट्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनकी मैथ कमज़ोर है तो उनको नंबर सिस्टम अच्छे से कराइए, जमा घटा गुना भाग कराइए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जमा घटा गुना भाग, ठीक है, नंबर सिस्टम और नंबर नेम हो गए, ठीक है,
और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के कुछ अलग अलग तरह से, बस यही चीज़ है फिफ्थ क्लास तक, और कुछ नहीं कराया जाता, यही सब चीज़ें कराई जाती है। असली पढ़ाई, असली मैथ सिक्स्थ क्लास से शुरू होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले इन सब चीज़ों को बेसिक वीडियोज़ में लेता हुआ जा रहा हूँ ताकि सभी चीज़ें कवर होती रहे। यदि आप लाइन वाइज से देखते हुए आ रहे हैं तो अब आपकी मैथ उतनी कमज़ोर नहीं होगी जितनी इस सीरीज़ को देखने से पहले होगी, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, इसको क्या करना है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है। तो इसका देखिए क्या सिंपल सा है, चार डिजिट का है ये, 1000 सबसे बड़ा है, तो पहले ऐसे लिख लीजिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये 8000 है तो 1000 पे क्या लिखेंगे, 8, 100 है 7, तो 100 के नीचे क्या लिखेंगे, 7। अब ये 50 है, 50 किस पे होता है, टेंस पे, तो टेंस पे लिखेंगे 5, और वंस पे क्या होता है, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और मुझे पता है आने वाले 50 साल तक यही दिक्कत रहेगी, और जो भी बच्चे नए आते हैं पढ़ाई लिखाई में उनको यही चीज़ कराई जाती है, ठीक है। आज से नहीं, शुरू से यही चीज़ कराई जा रही है। प्राइवेट बुकों में इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, सरकारी स्कूलों में भी होते हैं, लेकिन इतनी वेराइटी नहीं होती है, टीचर को वेराइटी अपनी तरफ से करानी पड़ती है। बट प्राइवेट स्कूल में ये वेराइटी बुक्स में ही होती है, क्योंकि उनके बुक के राइटर ही इस तरह से होते हैं कि वो प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से बुक्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, सेम पैटर्न पे ये जाएगा, मिटा देते हैं कहीं कंफ्यूज हो जाए। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड लिख लिया पहले, अब थ्री किस पे है, थाउजेंड पे, 3000 है तो 3 हो गया। सिक्स किस पे है, हंड्रेड पे, 600 है तो 100 पे 6 आएगा। टेंस पे कुछ नहीं है तो टेंस पे 0 आ जाएगा। वंस पे 7 है, 7 सिर्फ अकेला है तो ये वंस पे आएगा। इसको अगर हमने टेंस पे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि टेंस पे तो कुछ है ही नहीं तो इसको 7 पे डाल देते हैं। नहीं, अगर ये 7 है तो 7 अकेला नंबर है और ये वंस प्लेस की होता है। जब मैंने आपको नंबर सिस्टम कराया था तो मैंने बताया था एक से लेकर 9 तक नंबर ही वंस प्लेस पे आते हैं, बाकी नंबर अगर 10 होगा या 12 होगा तो वो टेंस पे चला जाएगा, ठीक है। इसकी क्या कहानी थी वो आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी वीडियो डालिए, देखिए जल्दी जल्दी वीडियो आप लोगों के सपोर्ट से होगा। पुरानी वीडियोस पे अभी 1000 लोगों ने भी नहीं देखा, अगर 1000 लोग भी नहीं देखेंगे तो कैसे हम जल्दी जल्दी डाल सकते हैं। इसको डालने में टाइम लगता है, एडिट करने में टाइम लगता है, अपलोड करने में टाइम लगता है, तो उस टाइम की कुछ वैल्यू तो मुझे भी मिलनी चाहिए ना। तो वीडियोज़ पे कम से कम 3-4 हज़ार व्यूज़ दीजिए, जितने भी अभी पुराने व्यूज़ हैं वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इन चीज़ों का अभ्यास कीजिए, ठीक है। थोड़ा तो सक्सेस मुझे भी मिलना चाहिए, कम से कम 3-4 हज़ार व्यूज़ दीजिए जो अभी तक 13 वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही जल्दी जल्दी अपलोड किया करूँगा, ठीक है। जल्दी जल्दी अपलोड कर, जल्दी जल्दी व्यूज़ दीजिए, ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर। ये जो दो क्वेश्चन है ये तो बड़े बड़े पेपरों तक आता है, ठीक है, एसएससी वीएससी में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखिए कैसे करते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है, अभी ग्रेटेस्ट नंबर का है, सबसे बड़ा नंबर का है, 4 डिजिट का। अब याद रखिए कभी भी ग्रेटेस्ट कहता है तो हम उतने 9 का यूज़ करेंगे, कभी भी स्मॉलेस्ट कहता है तो हम 0 का यूज़ करेंगे पीछे 1 लगाकर, ठीक है, क्योंकि 0 की तो अकेले कोई वैल्यू होती नहीं तो पीछे 1 आएगा, ठीक है। मतलब ये टेंस डिजिट से ऊपर का ही होगा, वंस डिजिट पे कभी ग्रेटेस्ट नंबर नहीं पूछेगा, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का। अगर 1 डिजिट का पूछता है तो 1 से लेकर 9 तक ही होता है, एक जो हमारा 1 होता है वो स्मॉलेस्ट होता है और जो 9 होता है हमारा वो ग्रेटेस्ट होता है, अगर 0 को नहीं लिया गया है तो, ठीक है। जो भी नंबर पूछा जाता है वो 0 से 9 के बीच में ही पूछा जाता है, अब 0 तो स्मॉलेस्ट पूछेगा नहीं, ठीक है। तो अब ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं हम, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट बोला है तो डिजिट क्या होती है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, कह रहा है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे, चारों जगह 9 डाल देंगे, खत्म कहानी, ये हमारा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब कह रहा है 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मैंने आपको यहाँ बताया था क्या है, 9, ठीक है। 1 डिजिट है तो ये क्या होती है, ऊपर वाली हमारी डिजिट होती है, 1 डिजिट की है तो सिर्फ वंस पे आएगा 9। अब कह रहा है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो वंस टेंस हंड्रेड, मतलब 3 डिजिट तक जाना है हमको, तो क्या करेंगे, तीनों पे 999 डाल देंगे। ऐसे ही अगर 6 डिजिट का कहता है तो क्या होगा, 10 डिजिट का कहता है तो क्या होगा, 10 बार 9 लिख दीजिए, सिंपल है, ठीक है। अब कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, उसके पीछे 1 लगा देंगे, जैसे 6 डिजिट कह रहा है तो पहले 6 डिजिट बना लीजिए, वंस टेंस हंड्रेड
थाउजेंड, 10,000, लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट हो गया आपका, चेक कर लो एक बार। हाँ ठीक है, अब कह रहे हैं 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में क्या करना है, सबसे लास्ट पे एक लगा के आगे जीरो लगा देनी है। ये क्या बन गया आपका, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट पे 1 लगा देना है, बाकी सारी जीरो। अब कह रहा है 5 डिजिट का, तो 5 डिजिट पे क्या करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट का बन गया। ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 5 डिजिट का कह रहा है, तो लास्ट पे 1, आगे सबके 0। स्मॉलेस्ट में, स्मॉलेस्ट में ये रूल फॉलो करना है, ग्रेटेस्ट में ये रूल फॉलो करना है, 99 लगा देना है इसमें, 1 के आगे 0 लगा देनी है, 1 एक्स्ट्रा मत लगा देना, नहीं तो डिजिट मत बढ़ा देना 1 आगे करके कि इतनी 0 बोली थी। ठीक है, अब 2 डिजिट का कह रहा है, तो 1s, 10s, तो क्या कहा था मैंने, जो 2 डिजिट का है तो इस पे 1 लगा के इस पे 0, ये 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन गया। ठीक है, ये 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। तो आपको समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब ये क्लास सेकेंड और थर्ड के हिसाब से थी, फोर्थ क्लास में क्या होता है पता है आपको, अगर शुरुआत से वीडियोज़ देखते हो आ रहे हैं, इसी नंबर को बड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी नंबर को बड़ा कर दिया जाएगा, ये बड़ा कर दिया जाएगा तो ये पीछे और बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स में हमें पैटर्न को समझने की ज़रूरत होती है, किसको, पैटर्न को। मैथ में लिखने का काम ज़्यादा होता है समझने के बाद, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए मैथ बहुत आसान है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप जितना मर्जी कोशिश कीजिए कभी मैथ नहीं आने वाली। तो मैथ का हर टीचर यही कहता है कि मैथ बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए बहुत आसान है, बस उसके बाद उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब जैसे ये चीज़ें मैंने कराई तो इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस ढूंढिए, दूसरी वीडियोस पर जाइए, वहाँ से क्वेश्चंस उठाइए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, फोर डिजिट एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, या बुक्स में अरेंज कीजिए बुक्स कहीं से और इनका अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये सारी वीडियोज़ उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो अपने आसपास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगी और आगे आपको क्या चीज़ सीखनी है। लाइन वाइज अभी फिफ्थ क्लास तक चल रही है, फिफ्थ क्लास तक जब खत्म हो जाएगी सब चीज़ें उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस था हमारा, ठीक है, अभी नंबर सिस्टम के ही चल रहे हैं, आगे सब चीज़ें चलेगी जो फिफ्थ क्लास तक होती है। और इसी के साथ यदि आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेसिक इंग्लिश की, 250 वीडियो हमारे इसी चैनल पर अपलोड है। यदि आपको हिंदी सीखना है तो यदि आपको हिंदी सीखना है तो 130 प्लस वीडियोज़ हमारे AMT क्लासेस पर अपलोड है, आप जाके वहाँ शुरू से हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। हिंदी पढ़ने लिखने का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब हिंदी व्याकरण वहाँ पर सीख रहे हैं, हिंदी व्याकरण की भी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आइए AMT क्लासेस पर हिंदी पढ़ना लिखना सीखिए, यहाँ पर बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखिए। ठीक है, तो मेरा एकमात्र लक्ष्य है लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।